नमस्कार दोस्तों, आपको तो पता ही है हर हफ्ता खौफनाक कहानी के साथ मैं आता हूँ आपसे मुलाकात करने। इस बार भी आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना जो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप इस कहानी को रात में अकेले सुन रहे हैं तो जरूर एक बार हनुमान जी को याद कर लेना। तो फिर अंत तक बने रहिए, उम्मीद है हमारी आज की ये कहानी आपको डरावने के साथ साथ अच्छी भी लगे। ये कहानी है पांच दोस्तों की, जो कि कुछ ही दिन पहले सुंदरबन घूमने के लिए गए थे। जाने के समय फोर व्हीलर से गद खाली और फिर वहां से बसंती हाईवे पकड़कर सीधा लॉन्च तक जाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई थी। परेशानी तो तब शुरू हुई जब वो लोग लौट रहे थे। उस दिन रात बहुत हो चुका था। लॉन्च पकड़कर गदखाली पहुंचने के बाद नजदीक के गैरेज में रखी हुई कार निकलकर पांचों दोस्त कार में चढ़ गए और फिर वहां से रवाना होने के बाद काफी समय बीत चुका था। तब घड़ी में रात की 11 बज चुके थे। हालांकि रात काफी होने के कारण हाईवे के ऊपर से जाता हुआ उसकी गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी। वो रोड पूरा सुनसान और सन्नाटा था, लेकिन भूत प्रेत को लेकर किसी के मन में कोई डर नहीं था। डर तो बस इस बात की थी कि वो लोग इतनी रात को कोई चोर डाकू के पकड़ में ना आ जाए। इसी कारण पांचों दोस्तों में से जो गाड़ी चला रहा था वो लिमिट से थोड़ा ज्यादा ही स्पीड पकड़ लिया था। चलते चलते अचानक उनमें से एक दोस्त का जोर से टॉयलेट आ जाता है, तो उसने गाड़ी चलाता हुआ अविनाश को बोलता है, भाई मुझे जोरों की लगी है, थोड़ा गाड़ी को साइड करना। लेकिन भाई ये तो बसंती हाईवे है, यहाँ पर गाड़ी रोकना खतरे से खाली नहीं होगी। और वैसे भी देख, आसपास कोई लैंप पोस्ट भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ। क्या पता, शायद कोई चोर डाकू इस अंधकार में कहीं छुप के बैठा है अपने शिकार के तलाश में। थोड़ी देर वेट कर, आगे एक खुली हुई मैदान है, उस जगह का नाम लॉक गेट है, वहां पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, तू अपना काम तब निपटा लेना, बोलकर अविनाश अपने ड्राइविंग पर ध्यान देता है। गाड़ी की हेडलाइट रोड की आगे के अंधकार को चीरते हुए अपनी गतिविधि से चल रहा था। ठंड का मौसम था इसलिए बाहर काफी ठंडा हवा बह रहा था और गाड़ी में जितने सारे खिड़की थी सब बंद पड़ी थी। कुछ समय ऐसे ही आगे चलने के बाद गाड़ी आकर पहुंचता है उस लॉक गेट नाम की जगह पर। अविनाश कार को रास्ते के एक साइड लगाता है। उसने सही बोला था, रास्ते के पास एक बड़ा सा खुली हुई मैदान था। मैदान के उस पार शहर के घरों में जलता हुआ धीमी रोशनी यहां से थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। चारों तरफ एक पतला कोहरा, एक सफेद रंग की चादर बिछाया हुआ था। पांचों दोस्तों को लेकर गाड़ी जब रास्ते के एक साइड होकर रुक गया तो अचानक सुमित चिल्लाते हुए कहा, यहां मत रुक अविनाश, तू जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, यहां उतरना ठीक नहीं होगा। ये जगह मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी सुना था इस मैदान में आसपास के लोग मरा हुआ जानवर को दफनाता है, और यहाँ का वातावरण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यही सारी बातें उसने कार की आगे जलती हुई हेडलाइट के ओर देखकर बोल रहा था। पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया था कि अचानक डर के मारे कांपते हुए ये सब बोलना शुरू कर दिया। एक तो रात बहुत हो चुकी थी, ऊपर से ठंड का मौसम, जल्द से जल्द घर पहुंचना यही उस समय सबके लिए एक बड़ा मिशन था, और ऐसे में एक की तो जोर से लगी पड़ी थी। और सुमित की बात अगर माने तो गाड़ी को बार बार रोकना पड़ेगा और इसमें घर पहुंचने में और भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए थोड़ा गुस्से में आकर अविनाश कहा, देख भाई, बार बार गाड़ी रोक नहीं सकता, और नितिन अगर तुझे इतनी जोर की लगी है तो जल्द से जल्द नीचे उतर और उतर के अपना काम खत्म करके आ। जो कि नितिन का इमरजेंसी सिचुएशन था तो उसे उतरना ही पड़ा, और वैसे भी ऐसी इमरजेंसी हालत में शायद ही किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को लेकर डर पैदा हो सकता है। सब कुछ भूलकर बस वो अपना काम खत्म करना ही सही समझता है।
नितिन जब कार से उतरा तो उसके पीछे पीछे सुमित भी उतर चुका था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो आसपास ऐसा किसी को देख लिया है जो उन लोगों के ऊपर नजर रखी हुई है। लेकिन कुछ देर बाद नितिन और सुमित फिर से कार में चढ़ जाते हैं। तब तक वहां मौजूद पांचों दोस्तों का कोई अननेचुरल किसी भी चीज का अनुभव नहीं हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। गाड़ी फिर से रोड पकड़कर अपनी गति से चलने लगा। चलते चलते अविनाश बोला, अब क्या रे सुमित, तू उस वक्त इतना डर क्यों गया था? मैं तुझे पहले कभी ऐसी डरी हुई हालत में नहीं देखा। कुछ नहीं भाई, अब बस जल्द से जल्द घर पहुंच जाए, इतना ही काफी है। उसका आवाज सुनकर सबको लगा कि उसके अंदर अभी भी डर बैठा हुआ है। कार के अंदर धीमी आवाज से एक गाना चल रहा था। हालांकि रात काफी गिर चुकी थी और ऊपर से इतनी डिस्टेंस का सफर, इसीलिए सबके आंखों में थोड़ी बहुत नींद आ रही थी। लेकिन गाड़ी रोकने की जगह से बस 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद अचानक सबके नींद एक ही झटके में टूट गई। सब लोग एक साथ चौकन्ना हो गए। कार के अंदर से एक अजीब तरह की बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जो जिंदगी में किसी ने कभी महसूस नहीं की होगी। उस अजीब सी सड़ी हुई बदबू की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती गई। सबके पेट के अंदर से मानो खाना अभी बाहर निकल आएगी। हर कोई अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठे हुए थे और सोच रहे थे अचानक ऐसा होने का असली वजह क्या हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत दिन पहले मरा हुआ जीव का शरीर किसी ने कार के अंदर रख दी हो। उसके शरीर से निकली हुई बदबू जो कि गाड़ी के अंदर 1 सेकंड के लिए भी रुकना नामुमकिन हुए जा रहा था। ऐसे में अचानक कार के अंदर की लाइट ऑन ऑफ होने लगा। सबने देखा गाड़ी के अंदर की लाइट कभी बंद हो रहा है तो कभी अचानक जल रहा है। ऐसे में सबके दिलों में एक अलग सा ही खौफ पैदा हो गया था। डर के मारे हर किसी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। ऐसे में ये सब देखकर सुमित चिल्लाते हुए कहा, म्यूजिक सिस्टम बंद करो और जल्दी हनुमान चालीसा प्ले करो। ऐसी हालत में कुछ और सोचना किसी के बस में नहीं था। सुमित ने जैसा कहा, अविनाश मानो उससे सम्मोहित होकर एक कठपुतली की तरह म्यूजिक सिस्टम बंद करके वहां पर हनुमान चालीसा प्ले कर देता है। सबको लगता है ऐसा करने में शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात धीरे धीरे और भी बदतर से बदतर होने लगा। कार के अंदर अभी तक बदबू को छोड़कर हवा सही से चल रहा था। कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर अचानक अंदर का हवा धीरे धीरे गर्म होने लगा और एक समय गर्मी की मात्रा इतनी बढ़ गई कि उसे झेलना असंभव होते जा रहा था। एक तो वो पेचीदा बदबू, ऊपर से इतनी गर्मी, और वो भी ऐसी ठंड के मौसम में, मानो समय पीछे की ओर चल रहा था। और तब तक सबको पता चल गया था कि वो लोग भयंकर एक हालात से गुजर रहा है। ऐसे ही हालत में 2 मिनट बीत गए तो सुमित फिर से चिल्लाते हुए कहा, अभी क्या अभी सारी खिड़कियां खोल दो, वरना हम सारे लोग मारे जाएंगे। सुमित के बात खत्म होते ही सबने मिलकर कार की खिड़कियां खोल दी। तभी मानो की मैजिक की तरह वो बदबू गर्म हवा के साथ बहते हुए बाहर निकल गया। बस कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर वहां का वातावरण फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन तब तक हर कोई पसीने से भीग कर लथपथ हो चुका था। साथ ही साथ सबके आंखों में एक डर दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक उनमें से कोई भी एक शब्द तक नहीं बोला। हर कोई बिल्कुल चुपचाप था। फिर धीरे धीरे इस हालात से गुजरने के बाद जब सबके मन अस्वस्थ होने लगा तब बातों बातों में पता चला
कि उस खुली मैदान के सामने गाड़ी रोकने के बाद सुमित ऐसे ही नहीं बोल रहा था कि यहां पर गाड़ी मत रुको। असल में गाड़ी रोकने के तुरंत बाद ही उसने गाड़ी के फ्रंट हेडलाइट के रोशनी में एक सफेद रंग की चादर से ढकी हुई जिन को देखा था। शायद वो जिन उस समय रोड क्रॉस कर रहा था और उसी वक्त पांचों दोस्त उसके सामने आ गए थे। बचपन में सुमित के दादाजी कहते थे सुमित की राशि बहुत हल्की है, जिस कारण वो अननेचुरल चीजों को महसूस कर सकता है। इसलिए कार के अंदर बस उसे ही वो जिन नजर आया था और वो उसे देखते ही सबको चेतावनी दे दी थी कि यहां पर गाड़ी बिल्कुल ना रुके। और जैसे कि अविनाश उसके बात नहीं मानी और गाड़ी रोक दी, तभी गाड़ी के दरवाजा खोलने के साथ साथ वो जिन गाड़ी के अंदर आ गई। और गाड़ी के अंदर जिन की मौजूदगी के कारण वो सरी हुई बदबू हर किसी ने महसूस की थी। लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा प्ले हुई, तब वो जिन बुरी तरह से तड़पने लगा उस कार से निकलने के लिए, और खिड़की बंद होने के कारण वो निकल नहीं पा रही थी, इसलिए कार के अंदर का हवा धीरे धीरे गर्म होने लगा। परंतु सुमित की उपस्थित बुद्धि के कारण खिड़कियां खोलने के साथ साथ वो जिन आजाद हो जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाते हैं। उस रात वो पांचों दोस्त सही सलामत अपने घर लौट गए थे, यही बड़ी बात थी। लेकिन इस घटना के अगले ही दिन पांचों दोस्तों का बुखार आ गया था, जो कि डॉक्टर दिखाने के बाद दवाइयां लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा था। हर कोई अंदर से काफी कमजोर हो चुके थे। उस जीन के कॉन्टैक्ट में आते ही सबके शरीर में बदलाव होने लगा। सबके शरीर धीरे धीरे सूखने के साथ साथ काला पड़ने लगा। कभी कभी रात को तो वो सड़ी हुई बदबू हर कोई महसूस कर पा रहा था। हर किसी को पता चल चुका था कि ऐसी हालत में अगर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो सबकी मौत पक्की है। फिर पांचों दोस्तों ने फोन पे एक साथ बात की और उसके बाद उस रात के बारे में सब कुछ खोल के घर वालों को बताया, और घर वाले मिलकर सबको एक तांत्रिक बाबा के पास ले गया। तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र के बल के सहारे झाड़ फूक करने के बाद धीरे धीरे सबकी तबीयत ठीक होने लगी। लेकिन आज भी जब वो पांचों दोस्त उन रात के बारे में सोचते हैं तो सबका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तब से लेकर आज तक उन पांचों दोस्तों में से कोई भी शाम ढल जाने के बाद घर की बाहर नहीं निकलती। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसी कोई इंसिडेंट घटी है तो उसके बारे में लिखकर हमें भेजना मत भूले। आपकी लिखी हुई कहानी आपको भेजनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पर। और अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना ना भूले। और हाँ, चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले खौफनाक अनोखे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।